खेड़ी विधायक भगवान दास कबीर पंथी ने बेरसाल वासियों को दी नई सड़क की सौगात। यह सड़क बेरसाल से वाया बीड़ माजरा होती हुई इंद्री रोड से जुड़ी है। अब किसानों को शुगर मिल में गन्ना की फसल ले जाने में नहीं होगी कोई समस्या। नीलोखेड़ी हल्के के गांव बेरसाल में विधायक भगवान दास कबीर पंथी ने लगाई विकास कार्यों की झड़ी। ग्रामीण बोले, जितना विकास भगवान दास कबीर पंथी ने 5 वर्षों में करवाया पिछली सरकारें 30 वर्षों में नहीं करवा सकी। भाजपा सरकार बहुत अच्छी रही। गांव बेरसाल से बीड़ माजरा तक की सड़क पक्की हुई। ब्राह्मण चौपाल बनी, वाल्मीकि चौपाल बनी, कटीक चौपाल बनी, एक आर्यजन चौपाल बनी। गांव में पानी की पाइपलाइन दबी, गडरी चौपाल बनी, एक जिमर चौपाल बनी जी। सारी गांव की गलियां पक्की की गई और जोड़ की सफाई होने लग रही जी। गांव में पानी की जो निकासी का तो नाला बनवाया गया और जो भी काम है सारे बहुत अच्छे हो रहे हैं। समस्या तो बहुत ज़्यादा थी, अड्डे पर सड़क गाँव में बड़ा थी, यह भी कच्ची बरगी थी वो भी पक्की बन गई, पानी की निकासी नहीं थी वो बन गई, बैर साल से बीड़ माजरा सड़क चली गई, स्कूल में भी अच्छा काम होने लग रहा, गाँव में जोड़ की सफाई होने लग रही, गाँव में कोई कच्ची गली नहीं रही, सारी पक्की होगी, चपाड़ा बन गई 5-6 ब्राह्मणों की, हरिजनों की, एक कुम्हारा की, कटिका की, गडरिया की, जीमरा की, बहुत काम होया। जब मैं गांव की सरपंच बनी तब हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे जो गांव का तालाब है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी थी और वो ओवरफ्लो भी था, जब बारिश का मौसम स्टार्ट होता तभी पूरे गांव में पानी भर जाता था, और जो नालियाँ थी और गलियाँ थी और जो खेत के गोहर थे वो सब कच्चे पड़े थे, लेकिन भगवान दास कबीर पंथी जी के बनने के बाद हमने उनको ये सब रिटर्न में लिख के दिया और उन्होंने हमारी काफ़ी हद तक सारी समस्याएं दूर भी की। जैसे जो हमारा जोहड़ा है मतलब उसकी साफ सफाई करवा के उसकी खुदाई भी करवा दी गई है और सारे जो गलियाँ और गोहर थे उन सबको पक्का भी किया गया और जो थोड़े बहुत काम रह गए हैं उन पर भी मतलब कार्रवाई चल रही है। और क्या समस्या है मेन गांव की आपकी? हमारे गांव में सबसे मेन समस्या यह है कि जो हमारे गांव में गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं और सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि उनके कच्चे मकानों को पक्का किया जाए।